हेलो गाइस, अर्जुन हियर। वेलकम टू जन्नत घर के टिप्स। तो गाइस, संडे, सुपर संडे, संडे यानी 15 दिसंबर। और गाइस, 15 दिसंबर को पैसों की होगी बारिश। एक्चुअली क्या है कि 15 दिसंबर को पैसों की बारिश इसलिए होगी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस तुम लोगों को, क्योंकि पैसों की एकदम रियल में बारिश होने वाली है। और इतनी ताबड़तोड़ बारिश होगी कि तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि धमाका होने वाला है 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को धमाका इसलिए होने वाला है क्योंकि BBL का फर्स्ट मैच खेला जाएगा। और BBL के फर्स्ट मैच में तुम लोग कितना प्रॉफिट रहोगे, अगर तुम लोग खुद से खेलोगे तो कितना इमेजिन करोगे तुम लोग कितना प्रॉफिट रहोगे। अगर चलो मान लेते एग्जाम्पल के लिए तुम लोग ये मैच 2 या 3 PT से प्ले कर रहे हो, लेकिन 2 और 3 PT से तुम्हारी एंट्री कैसे होगी, मैं तुम लोगों के लिए एग्जाम्पल समझाता हूँ गाइस। तुम्हारी 2-3 PT से तुम्हारी, अगर तुम लोग देखो क्या है कि तुम लोग खुद से खेलते हो, खुद से तुम लोग खेलते हो और तुम्हारी 2 PT की लिमिट है, मतलब तुम्हारी 2 PT की लिमिट है, तो तुम लोग कैसे इस मैच को प्ले करोगे। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी टीम, समझो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, तुम्हारी टीम मेलबर्न स्टार और पर्थ, तो गाइस तुम्हारी 2 PT की लिमिट है और पर्थ और मेलबर्न स्टार का मैच चल रहा है और तुम लोग कैसे एंट्री लोगे गाइस। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारी एग्जाम्पल के लिए मेलबर्न स्टार टीम है तो तुम लोग स्टार्टिंग में ही 70-80 पैसे अगर तुम लोगों को पर्थ मिल जाता है तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग करोगे अपनी 1.5 PT इन्वेस्ट कर दोगे और मतलब मिनिमम तुम मेलबर्न स्टार पर मिनिमम 2 PT प्लस कर लोगे, 2 PT 1.5 PT प्लस कर लोगे, ठीक है। और फिर तुम लोगों को अगर 30-40 पैसे मिल जाती तो उसमें से भी तुम लोग 50 पैसे पे 1 PT और खा लोगे, तो तुम लोग 2.5 PT प्लस रहोगे मेलबर्न स्टार पर। अब तुम्हारी टीम मेलबर्न स्टार 25 पैसे मिल जाती है तो तुम लोग 25-30 पैसे पर बुक सेट करोगे। 30 पैसे पर तुम लोग सबसे पहले तो लॉस कट करना है, 2 PT का लॉस कट करोगे तो 60,000 उसमें जाएगा, मतलब अभी तुम मतलब जीरो के सामने 1,40,000 प्लस हो मेलबर्न स्टार पर। अब तुम लोगों को बुक सेट भी करना है तो तुम लोग क्या करोगे, 1,00,000 तुम लोग मतलब उस पे पर्थ पे प्लस कर लोगे और 1,10,000 तुम लोग इस पे प्रॉफिट रहोगे मेलबर्न स्टार पर। अब तुम लोगों की 2 PT में से एक मतलब तुम लोग कितना, एक साइड 1,00,000 प्लस हो और एक साइड 1,10,000 प्रॉफिट हो मैच में कुछ नहीं। अब तुम्हारी 2 PT की लिमिट है, 2 PT में तुम लोग कितना प्रॉफिट निकले, सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 या 1 PT। तो गाइस इस तरीके की तुम्हारी एंट्री होती तो तुम घंटा इस प्रॉफिट करोगे इस मैच में, इस BBL मैच में घंटा प्रॉफिट बनाओगे। अब गाइस मैं बताता हूँ मेरी एंट्री कैसे होगी। मेरी एंट्री होगी, सबसे पहले तो अपनी टीम रहेगी गाइस 100% स्क्रिप्ट शो कर लूँ, ठीक है, 100% मतलब 100%। तो गाइस इस मैच में मिनिमम तुम 18-20 लिमिट प्लस रह सकते हो, कितना 18-20 लिमिट प्लस रह सकते हो 2 PT से। अब तुम लोग बोलोगे यार ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, मुमकिन सब कुछ है, एंट्री री एंट्री पर ही डिपेंड करता है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर टॉस जीते हैं पर्थ, फर्स्ट बैट पर आएगा यहाँ पर मेलबर्न स्टार। और गाइस मेलबर्न स्टार ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए लगभग 174-184 के बीच में स्कोर कर देगा। और इसमें अपनी टीम रहेगी पर्थ, पर्थ अपनी टीम रहेगी। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मार्केट रेट की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग दोनों 95 का रेट ओपन होगा और लगभग एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं 90 पैसे अपनी टीम है पर्थ, 90 पैसे पर अपनी टीम पर यहाँ पर लगाया जाएगा, पर्थ पर लगाया जाएगा 2 PT, 1,80,000 प्लस रहेंगे 2 PT में, ठीक है। इसके बाद अपनी टीम मिलेगी यहाँ पर पर्थ मिलेगी 40 पैसे, 40 पैसे में लॉस कट किया जाएगा और यहाँ से री एंट्री ली जाएगी, मतलब ऊपर रेट मिलेगा, री एंट्री ली जाएगी यहाँ पर 40 पैसे में खाया जाएगा लगभग 5-6 PT, 4 PT खाया जाएगा जो भी है, ठीक है। फिर तुम लोगों को यहाँ पर मेलबर्न स्टार मिल जाएगी 40 पैसे, 40 पैसे से तुम लोगों को यहाँ से फिर री एंट्री लेनी है और पर्थ पर प्लस करना है, मतलब अभी तुम लोगों ने यहाँ पर मेलबर्न स्टार पर प्लस किया था, अब पर्थ पर प्लस करना, मतलब ऑलमोस्ट तुम लोगों को हर एक एंट्री ओपन में कराऊंगा, टेलीग्राम पर कराऊंगा।
तो गाइस बस इतना ही बोल रहा हूँ कि जन्नत क्रिकेट टिप्स के साथ जुड़ जाओ, ये 18 से 20 लिमिट प्लस कराना मेरा काम। अब गाइस क्या होता है कि ये मैच ऐसे है, फुल्ली घोड़ा जैकपॉट मैच है। एग्जाम्पल के लिए पर्थ तुम्हारी टीम है, या मतलब पर्थ मेरी टीम है, पर्थ तुम लोगों को 25 पैसे मिल जाएगी, 25 पैसे से तुम लोगों को 25-30 पैसे मेलबर्न स्टार मिलेगी, और जब मेलबर्न स्टार से 25-30 पैसे मिलेगी फिर वहाँ से आकर के पर्थ जीतेगा। तो मतलब ये मैच हाई स्कोरेज मैच रहेगा और चेज कर लेगा। 100% स्क्रिप्ट की बात की जाए तो यहाँ पर टॉस जीतेगा पर्थ फर्स्ट बेट पर, मेलबर्न स्टार आएगा, जैसे कि मिलता है 174-184 के बीच में स्कोर होगा। और जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने पर्थ आएगा तो स्टार्टिंग के ही 6 ओवर में 2 विकेट जाएंगे, जब 2 विकेट जाएंगे तो मेलबर्न स्टार तुम लोगों को 25-30 पैसे मिल जाएगा, और जब तुम 25-30 पैसे मिल जाएगा तो तुम लोग यहाँ से अच्छी खासी एंट्री रह सकते हो। और जब तुम्हारे को इतनी अच्छी एंट्री मिलेगी और यहाँ से धीरे 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 खरगोश की तरह बढ़ेगा और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए लास्ट के 2 ओवर में चाहिए होंगे 25 रन, 12 बॉल 25 रन, और लास्ट के 1 ओवर में चाहिए होगा एक ओवर में 6 बॉल पे चाहिए होंगे 18 रन इजली चेज हो जाएंगे। और जब 18 रन ही चाहिए होगा तब भी तुम लोगों को 15-25 पैसे फेवरेट मिल जाएगी मेलबर्न स्टार। लेकिन कहीं ना कहीं गाइस तुम लोगों को स्टार्टिंग में 2 पेटी लगा देना है पर्थ पर, और गाइस पर्थ पर ही प्लस करना, पर्थ पर 2 पेटी लगा दोगे और तुम लोगों को पर्थ यहाँ पे 25 पैसे मिल जाए, 25 पैसे में से तुम लोगों को 6-7 पेटी 8 पेटी जो भी है खा लेना है, और मेलबर्न स्टार मिल जाएगा, मेलबर्न स्टार तुम लोगों को 25-30 पैसे मिल जाएगी। यहाँ से अपना फिर तुम लोगों को री एंट्री लेनी है प्लस अमाउंट से, और मिनिमम 18-20 लिमिट 22 लिमिट खाना है। और पर्थ ये मैच जीत चुका होगा, मैच जीत चुका मैच से पहले। तो गाइस क्या समझ में आया, तुम लोगों को पर्थ पर प्लस करना है। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइनिंग कर लेना, और गाइस दुआओं में याद रखना आपका अपना भाई अर्जुन। टेलीग्राम पर एंट्री अपडेट करूँगा।